हेलो दोस्तों, वालेकुम वला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके व्लॉग्स। केटीएम ऑरेंज डे में आप सभी का स्वागत है। कल मैं गया था केटीएम सर्विस सेंटर क्योंकि बाइक को चमकाना था। बाइक तो चमक गई तो लड़का भी चमकना चाहिए, इसके लिए मैं आया था यहाँ पर फिनिक्स मॉल में और शॉपिंग के लिए एफबीबी में ट्राई करता था। पहले H&M गया, उनके पास अभी सब माल खत्म, इसके बाद ज्यादा जाने वाला था, लेकिन एफबीबी में थोड़ा कलेक्शन अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये राहुल नावेद, ये लोग हुगली से हैं और यहाँ पर आए मुझसे मिलने के लिए। हमने बोला चलो साथ में शॉपिंग करके आते हैं, तो आज शॉपिंग की जा रही है विद MSKians, लवली MSKians, एंड ये फर्स्ट हमने ट्राई किया हुआ है, तो अभी हम इसको चेंज करके देखेंगे कैसा लग रहा है। मतलब ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये देखें, फर्स्ट लुक देखें, ये तीसरा नंबर है। राहुल भाई तुम बताओ क्या बोलते हो? अच्छा नहीं लग रहा, उतना अच्छा नहीं लग रहा। टी शर्ट भी हमें पसंद आई है, क्या बात है। जियो मेरे लाल, एक और एक पसंद आई है, जी ही लो मेरे लाल, जी ही लो। तो हमेशा की तरह वही हुआ, लेने गया था एक, ले लिया पांच। आप क्या है इसके पुरानी आदत से मजबूर है। देखिए जी, अभी का सीन कैसा है कि हम गुजर रहे थे एक बैग के शॉप से और ऐसे ही चलते चलते थोड़ा बैग मैंने चेक किया, तो मुझे दो बैग बहुत ज्यादा पसंद आ गए, एक ये एक ये। ये सिंपल फैशनेबल ऐसे ही है, क्या करे, जो चीज पसंद आ जाता है वो खरीद लेता हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर कोई चीज पसंद आती थी ना तो दिल पे पत्थर रख के आगे गुजरना पड़ता था। मेहनत की है इस चीज के लिए, ठीक है, और लोग बोलेंगे कि बहुत पैसा उड़ा रहा है, मेरे पैसे हैं, मेहनत के पैसे, थैंक यू। हाँ तो क्या बोलते थे आप लोग, बैग चेंज करो, बैग चेंज करो, कर दिया, दो दो बैग ले लिया। ऐसे जाते जाते पार्कों से गुजर रहा था तो सोचा कि परफ्यूम ले लूं, तो परफ्यूम भी ले लिया। थोड़ा दिखाओ राहुल कौन सा लिया हमने, क्यों वाली दिखाओ, लिया है टॉम फोर्ड। टॉम फोर्ड, अपना टाइम आ गया है। इवेंट में जाने की फुल तैयारी हो चुकी है, हमारे साथ हैं यहाँ पर गौरव द स्माइली बॉय एंड यहाँ पर टीम MSK से तेजस। टीम MSK बहुत जल्द आपके सामने आएगा, अभी हम टीम बना रहे हैं, बस अभी यहाँ से चलना है और हल्ला बो हल्ला मचाना है। क्या मचाना है? हल्ला हल्ला मचाना है, क्या मचाना है? हल्ला, ये नहीं, मैं कट मेरा कट कर देना। निकल पड़े हैं ऑरेंज डे के इवेंट के लिए वड़ाला। ये जो इवेंट हो रहा है ये IMAX वड़ाला के सामने एक, ये उसको क्या बोलते रहे, जहाँ पर गो कार्टिंग। और आज के ऑरेंज डे में होगा द KTM ड्यूक 790 स्कैल्पल का लॉन्चिंग, जिसके भागीदार हम भी रहेंगे। ऑलराइट, पहुंच गए हम वड़ाला, अभी हमारी होने वाली है एंट्री। यस यस यस, ओके 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 ओके, ऐसे ऐसे मत करो यार। ऑलराइट, हेलो, हाय, कैसे हैं सर? बढ़िया, सब बढ़िया, बढ़िया। थैंक यू मैन, थैंक यू। हेलो है, कहाँ सर, कहाँ रेस लगवा रहे हैं? क्या बोलती है पब्लिक? ओहो, ये कॉर्नरिंग करते हुए मोहम्मद सलीम खान रेस ट्रैक पे, और देखो यहाँ पर अगर मैं गिर गया तो इज्जत की लग गए। थोड़ा अपने लिए, ऑलराइट, क्या बोलते हो पब्लिक, क्या हो क्या रहा है, हाँ खींच मत ले रहा मेरे को, क्या हो रहा है, हाँ क्या कैसे, क्या हाल है ऑल MSKians, कैसे हैं सभी? बढ़िया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार इवेंट से डायरेक्ट घर पे कैसे आया, वो ऐसे क्योंकि जब इवेंट में हमारी ग्रैंड एंट्री एकदम फाड़ वाली एंट्री हुई ना, उसके बाद व्लॉग मैं करने जा रहा था तो देखा कि म्यूजिक काफी लाउड था और आपको पता है म्यूजिक पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आते हैं और शोर भी हो रहा था, तो व्लॉग करने का कोई सीन बना नहीं। तो स्टोरी टेलिंग एंट्री के बाद हुआ द KTM ड्यूक 790 का लॉन्च। लॉन्च एकदम बढ़िया हुआ, लॉन्च के बाद KTM ड्यूक 790 का एक फील भी होता है, तो मैं तो कहूंगा कि यार लास्ट व्लॉग में आपको थोड़ा सा फील मिला था, फिर से एक बार ड्यूक 790 का
फिर ले ले मुफ्त ले ले। जब मैं गया था तब रेस चालू था, फिर वहां पर लॉन्च हुआ, लॉन्च के बाद फिर से रेस शुरू हुआ। रेस चालू था और हमारे काफी सारे एमएसकेएंस वहां पर आए हुए थे, तो मैंने आशीष सर को बोला कि आशीष सर यार इतने सारे लोग यहां पर आए हुए हैं, मैं जाता हूं उनसे जाके मिलता हूं। तो आशीष सर ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं जाना है। मैंने कहा कि कैसे जाना है, उन्होंने कहा कि ऐसे फुल ऑन विद बॉडी गार्ड्स आपका एमएसके एमएसकेएन से मिलने के लिए भीड़ में गए। क्या नाम है तुम्हारा? राज। राजकुमार का बर्थडे आज। मैं माफी चाहता हूँ तुम लोग से। एक मीटअप हुआ था हमारे दिल्ली में, तब मुझे थोड़ा गुस्सा आया था और थोड़ा सा अफसोस हुआ था। इस वाले मीटअप में गुस्सा नहीं आया, इस वाले मीटअप में सिर्फ अफसोस हुआ, बिकॉज काफी लोग ऐसे थे जो 1 बजे से आए हुए थे, 2 बजे से आए हुए थे और मुझसे बिना मिले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। और जब मेरे साथ बॉडीगार्ड्स थे तो धक्का मुक्की हो गई, तो एक दूसरे को धक्का लग गया वहां पर, तो जिनको थोड़ा धक्का उक्का लग गया था मैंने उनको सामने से सॉरी बोला। और उसी में से एक सब्सक्राइबर ने हमें ये टी शर्ट भी दिया और एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे ये दिया। ओहो कार्डबोर्ड काफी सुंदर उन्होंने बनाया है। मोहम्मद सलीम खान 1 मिलियन सून, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू उसामा मोहम्मद अकील। जितने भी लोग मीटअप में आए और मुझसे मिल नहीं पाए, तहे दिल से माफी चाहता हूँ कि ऐसा हुआ। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। और जिन्हें भी धक्का मुक्का या फिर गार्ड ने अगर थोड़ा गलत बिहेव किया तो उनकी तरफ से सॉरी। देखें यहाँ देखें कब आए थे? सुबह से आ रहे भाई, सुबह से आ रहे। और अरे बंद हो गया। हैशटैग मोहब्बत, थैंक यू। सबसे मिलने के बाद फाइनल रेस चालू हुआ। Alright, so अभी टाइम हो रहा है 10 और अभी जाके रेस खत्म हुई है। काफी शांत हो गया क्योंकि 10 बजे के बाद मुंबई में डीजे नॉट अलाउड, लाउड स्पीकर से हम बात भी नहीं कर सकते, ना गाने बजा सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कानून। ओके, गणपति विसर्जन में भी ना 10 बजे के बाद वो ढोल बजानी नहीं देते हैं। रेस के बाद हुआ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बिना माइक के हमें करना पड़ा, और आपके एमएसके को वहां पर स्टेज पर बुलाया गया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समय का खुलासा करते हैं 10:45 और अब जाके ये इवेंट हो चुका है खत्म। केटीएम मुंबई के सारे सदस्य से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आशीष भाई। आशीष भाई है यहाँ पर हमारे साथ में। एंड समीर सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड मेकिंग आवर इवेंट स्पेशल फॉर ऑल द केटीएम पीपल आउट देयर। थैंक यू। हमारे साथ और भी लोग। आप बताइए आप कौन से इलाके के रुस्तम हो? केटीएम गोरेगांव। केटीएम भिवंडी यहाँ पर भी है। आप तो मैंने सुना सब संभालते हैं। सेंट्रल 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 पूरा सेंट्रल संभालते हैं। केटीएम अंधेरी। आई एम फ्रॉम केटीएम नरीमन पॉइंट। और आइए जिनके साथ हमने रेस ट्रैक पे रेस किया था, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये बाजीगर है, मेरे को इन्होंने बोला जा जीत जाते। चलो रुस्तम जी, या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मजा आ गया। बॉम्बे इवेंट इज ऑलवेज स्पेशल और बस ऐसे ही रेसिंग को आगे करना है। से नो टू स्ट्रीट रेसिंग एक मैसेज है जो हमेशा हमको स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग की डेथ्स होती है रोड रेसिंग में। तो अगर रेसिंग करना है आप ट्रैक पे आइए एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रेस ट्रैक होते हैं ना जिनके अंदर रेस का कीड़ा होता है, तो सही प्लेटफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये है सही प्लेटफॉर्म, रोड नहीं है। रोड गाड़ी चलाने के लिए, रोड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेस के लिए नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल के मीटअप के बाद मुझे थोड़ा खराब लग रहा था, काफी लोगों से मिल नहीं पाया, धक्का मुक्की हुआ। उस वक्त एक हमारे सब्सक्राइबर हैं अश्विन, यहाँ पर ये भी आए थे, ये लोग भी थे वहाँ पर, और ये हमसे उस वक्त मिल नहीं पाए, तो मुझे काफी बुरा लग रहा था, अभी भी मुझे लग रहा है। तो मैंने इनको कल मैसेज किया कि अश्विन भाई हम यहाँ पर आके आपसे मिलेंगे। अश्विन भाई भी वाशी से आए हैं यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए, इतना टाइम निकाल के। तुम हाथ मिला रहे थे क्या?
कि पोपट तो नहीं हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार देखा है जैसे मैं कैमरे में बात करता हूँ, कोई हाथ मिलाता है मेरा ध्यान नहीं रहता, फिर पोपट हो जाता है उसका, फिर लोग कमेंट करके बोलते हैं तुम्हारा पोपट हो गया। कोई बात नहीं, तो ऐसा है। तो अश्विन भाई ने मुझे गिफ्ट भी दिया है अभी, इसमें इन्होंने मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो दे दिया इसमें क्या है, बट इसका मैं घर पर जाकर अनबॉक्सिंग करूँगा कोई और वीडियो में। एंड अश्विन भाई सॉरी, कोई बात नहीं, चलते हैं भाई। आप लोग आए थे वहाँ पर मेरे ख्याल से 3 बजे तक आए थे ना, 3 बजे से लेकर 9 बजे तक थे, लेकिन मैं वहाँ पर मिला नहीं उनको, 6 घंटा वेट कराने, ऐसा होता है क्या? देख रहे हो ना एटीट्यूड कितना आ गया है, 6 घंटा वेट करवाते अपने सब्सक्राइबर लोग को। अश्विन भाई बहुत ही कट्टर से ज़्यादा वाला फैन है हमारे, मतलब ये इन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ है, हर वीडियो में कमेंट करते हैं, इंस्टा पे डीएम करते हैं, मतलब इसलिए नज़र में आते हैं मेरे, ऐसे और भी सब्सक्राइबर होंगे लेकिन यू नो नज़र में नहीं आते हैं। थैंक यू सबको, ओके थैंक यू, बाय 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 बोल दो मेरे ब्लॉग में, बाय बाय बोल दो, सब्सक्राइब 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट चाहिए हमें। इवेंट खत्म, समाप्त, एंड हो चुका है, लेकिन एंड तक जो रुकता है वो कट्टर से 1000 गुना बेहतर एमएसकेएन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रुके हैं यहाँ पर क्योंकि तुम लोग यहीं पर ही रहते हो, है कि नहीं? नाम बताओ। अक्षय, अमित, वन एंड ओनली अमित, आकाश एंड माय ब्रो फारिश। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर होता है समाप्त, आई होप आपको मजा आया होगा, अगर मजा आया तो लाइक कर सकते हैं, ज्यादा मजा आया तो शेयर कर सकते हैं, बस इतना ही, 1 मिलियन भी कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा फिक्र इन लोग को है 1 मिलियन की, बस इतना ही। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, खुदा हाफिज, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। ये राहुल है, ये राहुल एंड ये नावेद है, इधर 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 इधर। दीपू, दीपू मिस यू। कौन है दीपू? अरे जो था अपने पीछे। अच्छा हो, चलो ठीक है, करना बस ये एडिट मत करना। नहीं नहीं इसको रखूंगा मैं, चलो ठीक है एडिट कर दूंगा।